अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आशियाना फूड्स। तो आज अम्मी बनाने जा रही हैं चिकन फ्राई, जिसके लिए अम्मी ने लिया है 1 किलो चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, 2 चम्मच वाइट विनेगर, मैदा, तंदूरी मसाला 1 पैकेट, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर 2 बड़े चम्मच, हल्दी का पाउडर 1/2 चम्मच, हसबे जायका नमक और रेड फूड कलर। तो चलिए अब हम इस चिकन को मिक्स करते हैं। इसमें हम पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट ये हम 2.5 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, मैदा। अब हम इसमें डालेंगे अंडा, हमने इसमें 1 ही अंडा डालना है। और सबसे लास्ट में वाइट विनेगर। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अम्मी ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटा मैरिनेट होने देंगे। तो ये देखिए, चिकन फ्राई का जो मिक्सचर था वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे गरम गरम तेल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए, और ये तेल धीमी आँच पर हमने गर्म किया है, और इसे धीमी आँच पर ही हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, चिकन फ्राई अच्छे से फ्राई हो रहा है। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कितने अच्छे से सारा चिकन फ्राई हुआ है। इसी तरह से हम सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन फ्राई का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। हमने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब हम ऐसी ही रेसिपी के साथ आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।